If you're not following me on Instagram, please do follow, because we are uploading many behind the scene pictures and videos there. Welcome to After All It's Science. Today is International Women's Health Day. And whenever we talk about women's health, the first thing that comes to our mind is the menstrual cycle. Menstrual cycle, ya jab bhi women's health ki hum baat karte hain, bahut sare aspects ho sakte hain. But jo sabse pehle hamare dimag mein aata hai, that is the menstrual cycle. Aur hum is channel mein bahut sare aise practices ke bare mein baat karte hain jiske piche kuch na kuch scientific reason hota hai. So what we are going to do today is menstrual cycle ya jo menstrual period hota hai usme ladies par women par jo restrictions hote hain uske piche ka jo reason hai wo hum aaj discuss karenge. So let us talk about the first aspect. The host and the channel After All It's Science do not intend to disrespect, impair or disparage the beliefs, feelings, sentiments of any person, community, religion and their culture, custom, practice and tradition. Our sole purpose is to find the science behind some of the practices followed around the world. Ek restriction hota hai ki aap whenever the women are in their menstrual cycle, especially the 4 days of menstruation, वो किचन में एंट्री नहीं होती कि आप किचन में नहीं जाएंगे, आप खाना नहीं बनाएंगे, आप किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे. ये इस तरह का रेस्ट्रिक्शन होता है. अब इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न या जो लॉजिकल रीज़न है उसको समझने के पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एग्जैक्टली है क्या. वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ इट, बट एक सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल पर्स्पेक्टिव में, every woman from the age of puberty, जब ये cycle start होती है till menopause, ये एक monthly cycle है. normally हम इसे scientific इसमें language में कहते हैं 28 day cycle है. for our understanding we can say every month ये repeat होती है. और इस cycle में there are hormonal changes, कुछ hormones का level बढ़ता है, कुछ कम होता है, and the cycle goes on. एक बार स्टार्ट हुआ प्यूबर्टी से टिल मेनोपॉज ये चलता जाएगा. बीच में कुछ टाइम के लिए सस्पेंडेड रहता है, लाइक इफ द फीमेल इज प्रेग्नेंट, उस टाइम पर ये साइकिल नहीं होगी. जो ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के कारण जो फीमेल है जिसमें वो साइकिल हो रही है, बहुत सारे फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं. अब जब ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो द वुमन अंडरगोस सम काइंड ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प्स, कुछ अनईजी फीलिंग होती है. जब साइकिल स्टार्ट होने वाली होती है उसके पहले से ये फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं. अनईजीनेस लगने लगती है, स्वेटिंग हो सकती है बॉडी में. हर एक फीमेल में ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट वन थिंग विच इज कॉमन इज कि पेन होता है. किसी में थोड़ा कम होगा किसी को, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा होगा. बैक पेन होता है, लेग्स में पेन होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं. ये इसकी इंटेंसिटी वैरी कर सकती है फ्रॉम वुमन टू वुमन. बट जब ये चेंजेस हो रहे होते हैं, व्हेन द फीमेल इज गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स, एक सबसे ईजीएस्ट चीज़ है कि उसको रेस्ट मिले. Women in general, their जो their work pattern जो होता है, that is like day in day out, वो उनके काम चलते ही रहते हैं, छुट्टी नहीं होती है. So ये एक period है when she definitely needs some rest. So उनको वो rest मिले इसलिए उनसे कहा जाता है कि आप kitchen में मत जाओ, somebody else is going to do all those things, you take rest. पुराने time में सैनिटरी पैड्स वगैरह नहीं होते थे. आपने पैडमैन मूवी देखी होगी, उसमें जो डिपिक्ट किया है वो बिल्कुल सही है. पुराने टाइम में द गर्ल्स द फीमेल्स यूज टू यूज़ क्लॉथ. अब जब वो क्लॉथ यूज़ कर रही हैं टू सोक दैट मेंस्ट्रुअल ब्लड, तब चांसेस हैं कि अगर वो पूरे घर में सब जगह बैठती हैं तो देर कैन बी स्टेन समवेयर. उसको रोकने के लिए आपको एक अलग जगह दे दी जाती है कि आप यहीं बैठो,
टेक रेस्ट, आपको कुछ भी काम नहीं करना है। सो किचन में मत आओ, खाना मत बनाओ, ये बेसिकली उसके पीछे का जो आइडिया था, दैट वॉज टू गिव 3-4 days रेस्ट टू द गर्ल और टू द फीमेल्स। बट यहाँ पर आई विल एड वन थिंग, हम जब हमारी बॉडी में दूसरी चीज़ें, जैसे सपोज किसी को हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो सकता है, या किसी को बुखार है, सो जनरल एज एल्डर्स, हम पेरेंट्स, हम क्या बोलते हैं बच्चों को कि तुम सो जाओ आधा घंटा, दो घंटा, थोड़ा रेस्ट कर लो, अच्छा लगेगा। अब ये भी ऐसी ही साइकिल है जिसमें द गर्ल हैज़ टू और द फीमेल हैज़ टू गो थ्रू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। सो क्या एज फैमिली मेम्बर्स हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसे हम उतना कंफर्ट दें? हमारी सोसाइटी में मेंस्ट्रुअल साइकिल या ये जो पीरियड है, इसको लेके बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, इसे छुपा कर रखा जाता है। सो अब एक घर में एक लड़का है और एक लड़की है, द गर्ल इज़ गोइंग थ्रू दिस एंड उसको आपने आराम से बिठा दिया है, द बॉय इंक्विजिटिव नेचर तो होता है, द बॉय इज़ गोइंग टू आस्क कि भैया इसको आप काम क्यों नहीं बोल रहे हो, मुझे ही क्यों काम बोल रहे हो? तब उस टाइम हम बोलते तुमको जितना बोला जाए उतना करो, उसको छोड़ दो। सो ये जो एक दिमाग में चीज़ें घूमती रहती है कि क्या है ये मिस्ट्री क्या है, वो बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो इट इज़ बेटर दैट वी एक्सप्लेन दीज चेंजेस, दीज थिंग्स टू एवरीबडी इन द फैमिली, एंड जो भी उसके थ्रू जा रहा है, इट कैन बी द मदर, इट कैन बी द डॉटर, इट कैन बी अवर सिस्टर, एनीबडी हु इज़ गोइंग थ्रू इट, उसको वो मॉरल सपोर्ट भी मिले दैट ठीक है, इट्स ऑल नॉर्मल। जब पेट दुख रहा था तब हम डॉक्टर के पास गए थे, हमने मेडिसिन लिया था, अब ये चेंजेस हो रहे हैं, इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग, ओनली थिंग इज ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं। सो वो 4 दिन जो फीमेल्स को अलग बिठा देते थे या उनसे काम नहीं करवाते थे, उसके पीछे का रीज़न यही था कि उन्हें वो रेस्ट मिल जाए, बिकॉज उस टाइम पर, उस पीरियड में द फीमेल्स बॉडी अंडरगोज सो मैनी चेंजेस एंड सो मैनी प्रॉब्लम्स जिसे हम बोल सकते हैं, और ये हर महीने में होना ही है। सो अगर वो 2-3 दिन का रेस्ट मिल जाता है, सो शी विल बी ऑल राइट टू टेक केयर ऑफ द अदर डेज इन अ कम्फर्टेबल मैनर। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ एक और रिस्ट्रिक्शन आता है। आपने सुना होगा कि जब फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल, जब उनका पीरियड हो रहा होता है, उस टाइम पे दे आर नॉट अलाउड एंट्री इनटू टेंपल्स। कुछ टेंपल्स हैं जहाँ पर एंट्री इज प्रोहिबिटेड ओनली ड्यूरिंग दोज 4 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन। कुछ टेंपल्स हैं जहाँ पर एंट्री इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 50, और कुछ टेंपल्स हैं जो ग्रीस में और जापान में है, जहाँ पर एंट्री ऑफ फीमेल्स इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। सो अब इसके पीछे का क्या रीजनिंग हो सकता है? अब यहाँ पर 2-3 एस्पेक्ट्स हम लेते हैं। एक एस्पेक्ट है कि ये जो टेम्पल्स होते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन एक बहुत अलग तरह का आर्किटेक्चर होता है। आपको अगर ध्यान हो तो हमने एक वीडियो बनाया था इसी चैनल पर कि हम तिलक क्यों लगाते हैं, उसके पीछे का क्या साइंस है। सो ये जो मिड ब्रो पीरियड होता है, यहाँ पर अजन चक्र है, और ये अजन चक्र, एक चक्र हमने बात की थी, ऐसे हमारी बॉडी में 6 चक्र होते हैं, और जब ये चक्र स्टिमुलेट होते हैं तो किसी न किसी एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। द साइंस हैज प्रूव्ड हमारी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, और हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन रिलीज होता है। सो ये जो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन होता है, वो इस तरह से होता है कि हर एक टेम्पल डिजाइन करते हैं टू स्टिम्युलेट अ पर्टिकुलर चक्र ऑफ अवर बॉडी। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दूंगी सबरीमला टेम्पल का। वहाँ पर इट इज सेड कि ये जो टेम्पल है वो अजन चक्र को स्टिम्युलेट करता है। अब वहाँ पर फीमेल्स की एंट्री प्रोहिबिटेड है फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 50। 10 इज द एज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, एंड 50 इज द एज जब मेनोपॉज आता है, एंड आफ्टर दैट द साइकिल स्टॉप्स परमानेंटली। सो 10 टू 50 वाला जो पीरियड है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ अ फीमेल। अब वहां पर इट इज सेड इफ द फीमेल गोज इन टू दैट टेम्पल जहां पर अजन चक्र स्टिमुलेट होता है, उस टेम्पल का डिजाइन इस तरह से है,
सो अगर ये अजन चक्र स्टिमुलेट होता है जो हमारे मिड ब्रो पॉइंट पर है, तो ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और अगर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होती है तो हॉर्मोन्स रिलीज होंगे। उसमें से एक हार्मोन होता है जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ाता है। अब मेल्स में तो यही मेन हार्मोन होता है, तो मेल्स में जब उन्हीं का हार्मोन स्टिमुलेट या सीक्रेट होगा तो उनकी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फीमेल्स में जब ये हार्मोन स्टिमुलेट या रिलीज होगा तो फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव साइकिल पर इफेक्ट होता है। सो अगर ये बात हम समझते हैं तो प्रोबेबली उनका जो इंटेंट था वो था कि अगर इस टेम्पल में या इस जगह पर फीमेल्स आती है इन देयर रिप्रोडक्टिव एज, सो इट इज़ गोइंग टू एडवर्सली इफेक्ट देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, दिस इज बेसिकली एन अश्योरेंस दैट द फीमेल कैन नाउ कंसीव एंड गिव बर्थ, वो एक नई लाइफ को इस अर्थ पर ला सकती है। सो दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल्स के लिए। सो उस टाइम पर विमेन की एंट्री वहाँ पर बैन कर दी है। कुछ टेम्पल्स हैं, और रादर आई वुड से मेजॉरिटी जो टेम्पल्स हैं वो हिल्स पर होते हैं, बहुत ऊंचा चढ़कर हमें जाना होता है और वहाँ पर वो टेम्पल होता है। साइंस हैज प्रूव्ड जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं इन विमेन रिप्रोडक्टिव साइकिल गेट्स एडवर्सली इफेक्टेड। सो अब अगर इस रिप्रोडक्टिव पीरियड में एज में 10 से लेकर 50 की एज में कोई फीमेल है और अगर वो टेम्पल के लिए जाने के लिए विजिट करने के लिए उस हाइट पर जा रही है, सो उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल अफेक्ट होने वाली है, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अफेक्ट होने वाली है। सो उसको रोकने का क्या तरीका है कि वहाँ पर एंट्री ही बैन कर दी। बट जो हिडन उसका एजेंडा है वो यही है कि विमेन की हेल्थ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। सो या तो हमें किचन से दूर रखा जाता है, दैट मीन्स आप रेस्ट ले लो, टेम्पल में एंट्री प्रोहिबिटेड हो सकती है, कई जगह पर ऐसा होता है कि वो सिर्फ 4 दिन जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसी में प्रोहिबिट करते हैं। ये टोटली डिज़ाइन ऑफ द टेम्पल पर बेस्ड रहता है, बिकॉज ये बहुत एक इंट्रिकेट साइंस है जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता है। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब हम किसी टेम्पल में जाते हैं तो हमें एक अलग तरह की फीलिंग आती है, जिसे हम बोलते हैं एक फील गुड तरह की एक्सपीरियंस होता है जो हम बाकी जगह पर नहीं होता है। नाउ अ क्वेश्चन माइट अराइज इन योर माइंड्स इज कि घर में फिर इस तरह से हमें क्यों रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं कि भाई आप जो हमारे घर में छोटा सा पूजा एरिया है वहाँ नहीं जाना है। सी घर में हमारा आर्किटेक्चर अलग होता है, बट जो प्रैक्टिसेस हम पुराने टाइम से करते आ रहे हैं सेम प्रैक्टिसेस हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। यू आस्क योर एल्डर्स, दे प्रोबेबली वुड से कि ठीक है तुमको जैसा बोला जाता उतना करो, हमने भी नहीं किया है। सो उसके पीछे का कोई ऐसा साइंटिफिक रीजन नहीं है। इट वॉज सैड कि भाई आपको वहाँ वो प्रोहिबिट करने के लिए, आपको वहाँ जाने से मना करने के लिए लोगों ने अब धीरे धीरे स्टोरीज बनाना स्टार्ट कर दी थी। बीच में ये भी आता था कि विमेन ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल पीरियड 4 days पीरियड दे आर इम्प्योर। ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस हैज प्रूव्ड दैट देर इज नो सच प्योरिटी और इम्प्योरिटी थिंग विच एग्जिस्ट देयर। द ब्लड विच इज लॉस्ट ड्यूरिंग दीज 4 days इज नॉट impure, it is the normal blood. Just hai ki uterus ki jo lining hai wo scrap off ho rahi hai, uske sath blood loss ho raha hai. So it is the same blood which is circulating in our body, only thing is now it is coming out of the body. So ye koi impure wala usme point hi nahi hai. Just because sabko science samajh mein nahi aata hai, sabko hum ye hormone wali theory nahi bata sakte, sabko hum ye एल्टीट्यूड पर जाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो नहीं समझा सकते। सो अगर हमें किसी चीज़ को करने से रोकना है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे जो सेंट्स थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, दे न्यू कि ह्यूमन रेस के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या बुरी हैं। अब वो करवाने के लिए या तो रिलीजियस कुछ चीज़ का हम सहारा ले लेते थे या डरा दिया जाता था, पर्पस था कि वो काम हम कॉमन मैन से करवा सके। सो अब आपको प्रोहिबिट कर दिया है वहाँ जाने से, तो यू ऑटोमेटिकली डोंट गो देयर, एंड इफ यू डोंट गो देयर दैट मीन्स आप
आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर जो एडवर्स इफेक्ट होने वाला था वो नहीं हो रहा। प्रेजेंट डे में द लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड, घर की पोजीशंस हैव चेंज्ड, हमारा घर उस हिसाब से नहीं बनता, उस आर्किटेक्चर पे नहीं बनता है। सो अभी उसी चीज़ को घर में कितना इम्प्लीमेंट करना, ये हमें हमारा लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। बट जो बेसिक उसके पीछे आइडिया था या जो लॉजिक था, दैट वॉज कि जो वुमेन है, दोज हु आर अंडरगोइंग ऑल दिस स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, उससे उनको थोड़ा सा आराम देने के लिए 3-4 दिन के लिए उनको कहते थे आप अलग बैठो, यू टेक रेस्ट, डोंट गेट इनटू द डेली एक्टिविटीज। सो वो रेस्ट मिल जाती थी। और टेंपल्स में प्रोहिबिट करने का एक ये भी सिग्निफिकेंट रीज़न था कि जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते थे तो वहाँ पर एडवर्स इफेक्ट होता था ऑन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और जब विमेन हेल्थ की हम बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। पहले के टाइम पर सैनिटरी पैड्स नहीं होते थे, सो हाइजीन वॉज ऑल्सो अ बिग इशू। अभी भी आप कई जगह देखते होंगे, पढ़ते होंगे दैट इन मेनी विलेजेस, इन मेनी एरियाज, दी सैनिटरी पैड्स आर स्टिल नॉट अवेलेबल। सो विमेन हेल्थ में इस पर्टिकुलर साइकिल का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, प्लस हमें इसका एक्स्ट्रा ध्यान भी रखना है। सो मेरा एक सिंसियर आपसे रिक्वेस्ट है दैट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट, एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर ओन हाउस। अपने घर में अगर कोई लड़की है, मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, सो वी शुड बी वेरी कोऑपरेटिव, वी शुड बी कंसिडरेट एंड जस्ट टेक इट एज वन सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। सो जो वो उस पर्टिकुलर पीरियड में वॉट एवर दे आर गोइंग थ्रू, उसमें उन्हें बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट मिलेगा। प्लस अगर हम सब उनके साथ में रहते हैं, सो अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, सो दे विल ओपन अप विथ अस। वो हमें बताएंगे कि इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है और हम इस तरह का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सो फॉर ऑल द वुमेन, stay healthy, stay safe, and take care of yourselves.